मनुष्य का सबसे ज्यादा ध्यान शरीर के हमेशा दो अंगों पर ही जाता है, वो है उनका एक पेट और दूसरा चेहरा। पेट बाहर निकल आता है तो उससे उसकी एक्सरसाइज करने की सोचता है, या फिर चेहरा डल हो जाता है उसको अच्छा बनाने या सुंदर बनाने के बारे में सोचता है। लेकिन लेकिन शरीर के ऐसे अंग बहुत सारे होते हैं जिन पर भी चर्बी चढ़ जाती है, या जिन पर भी झुर्रियाँ आ जाती है, कालापन आ जाता है, जिनका भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सामने वाले को हमारा फेस सबसे पहले दिखता है, उसके साथ साथ में उसको गर्दन भी दिखाई देती है, हमारे शरीर पे और मोटापा होता है वो भी दिखाई देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गर्दन के फैट की और कंधे के फैट की, जिसका पार्ट 1 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की, यानी कि जो चेहरा होता है उसके साथ साथ में गर्दन का सुंदर दिखना बहुत जरूरी है, और सुंदर ही नहीं उसका फैट भी रिड्यूस होना बहुत जरूरी है। अपर बॉडी पार्ट होता है जो ब्रेस्ट तक होता है, उस पर अगर फैट होता है, जैसे ही हम फास्ट चलते हैं तो उससे हमारे श्वास फूल जाता है, यानी कि इसके कारण हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और कई बार क्या होता है कि इन जगहों पे फैट होता है, पसीना आता है, पसीने से कालापन हो जाता है, या दाग वगैरह हो जाते हैं, इस तरीके से खुजली होती है, इस तरह की कई समस्याएं आती हैं, और हमारे बॉडी के अंदर के सिस्टम को भी डैमेज करता है, उसको भी धीरे धीरे डल बना देता है। अपर बॉडी पार्ट होता है उसमें हमारा जो अंदर का हिस्सा होता है हार्ट से रिलेटेड, वो कम्प्लीटली इससे जुड़ा हुआ रहता है, तो इस फैट को हमें रिड्यूस करना बहुत जरूरी होता है। सुंदर और स्वस्थ दोनों चीजों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आज का सेशन मैं लेके आई हूँ कंधे और गर्दन के फैट का पार्ट 2 सेशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस ऐसी जानकारी के साथ में आऊं तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गर्दन 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 का फैट कम करने की एक्सरसाइज ऑलमोस्ट वही है जो डबल चिन में थी। डबल चिन यहाँ होती है तो उसके साथ साथ में नीचे की नसों का भी फर्क पड़ता है, उनको उनमें भी खिंचाव होता है, तो कुछ एक्सरसाइज मैं वही बताऊंगी जो डबल चिन में है वो गर्दन का फैट भी कम करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने एक एक्सरसाइज बताएगी, जो जो आपके दोनों जो नीचे का जा होता है ऊपर के जा को मिला करके उनको प्रेस करना होता है, जिससे आप ये प्रैक्टिकल करके देखें या एक्सरसाइज को करना ही है आपको। दोनों साइड की जो नसें हैं उनमें बहुत तेजी से खिंचाव होता है और आप खुद ये महसूस करेंगे कि ये यहाँ से लेके जैसे जैसे आप प्रेस करेंगे फिर छोड़ेंगे तो यहाँ से लेके जो आपकी स्किन है वो पूरी खिंचेगी, यानी कि जो एक रिंकल्स होती हैं वो भी कम होंगी और उसके साथ साथ फैट रिड्यूस भी होगा और आपकी गर्दन की सुंदरता बढ़ेगी, जो लाइनिंग लाइनिंग हो जाती है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सांस भरते हुए जबड़े को ऐसे मतलब आपस में प्रेस करके रखना है, फिर जब उसको छोड़ें तो फिर उसके बाद में आप सांस को भी छोड़ना है। एक्सरसाइज का एक राउंड करके बताऊंगी, इस तरीके से आपको प्रेस करना है। जब छोड़ें तो आपको सांस को भी छोड़ना है, जबड़ों को ऐसे दबाएं प्रेस करें तो आपको सांस को लेना है और जब छोड़ें तो आपको सांस को छोड़ना है। इस आपका एक तरह से प्राणायाम होगा, ब्रीदिंग बहुत जरूरी है, ब्रीदिंग आपके आंतरिक सिस्टम को सही करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको 10 बार करना है आपको, यानी कि जो भी एक्सरसाइज बताऊं उसको आपको 10 रेपिटेशन में करना है, और जो होल्ड करने वाली एक्सरसाइज होंगी उसको 15 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। एक्सरसाइज नंबर 1, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर चलिए टंग होगा, उसको आपको जा होता है यानी कि ऊपर का जो जा होता है जबड़ा होता है ऊपर का, उसके अंदर आपको टच करना है, सांस भरते हुए टच करना है, फिर सांस छोड़ते हुए वापस
उसको छोड़ के और मुंह को बंद करना है। आई एक प्रैक्टिकली बता रही हूँ। सांस को छोड़ना है। ऐसे आप 10 टाइम्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं 1 से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन इस साइड में करके जीभ को बाहर निकालेंगे, यानी कि नीचे की जा और जीभ को बाहर लगा निकालेंगे। 10 टाइम्स करेंगे ऐसे, जिससे ये वाली नसें होती है ये खिंचाव होगा और यहाँ का फैट रिड्यूस होगा। ऊपर मुंह करें। मैंने एक किसिंग पोज बताया था ऊपर मुंह करके, जिससे ये वाली नसें होती हैं या ये वाली चर्बी होती है इसका खिंचाव होगा, तो उसको गोरिल्ला पोज भी कहते हैं। ऊपर करके आप किसिंग करेंगे। एक्सरसाइज में ये इतना इतना जो पूरा एरिया है उसकी स्किन और नसें खिंचती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी चलेगी गर्दन की ही चलेगी, इस तरीके से करके। और अपन ने पहले तो यहाँ पूरा किया था, सामने से किया था, पीछे करके साइड से किया था। अब जो 3/4 साइड होती है इसकी, इस हिस्से को प्रेस करेंगे और इस तरीके से करेंगे। पूरा ऊपर नहीं लेके जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके और फिर वापस हाथों से प्रेस करेंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर लेके फिर हाथों से वापस प्रेस करेंगे। ये साइड वाला हिस्सा, बिल्कुल सेंटर वाला नहीं, ये साइड वाला हिस्सा इस तरीके से लेंगे। 10 टाइम्स करेंगे। ऐसे ये वाला हिस्सा, इसी को अपन प्रेस करते हुए 10 टाइम ऐसे ही ये करेंगे वापस से हाथ से, और पूरा ऊपर नहीं लाना है।
ये अपनी गर्दन की एक्सरसाइज हो गई। अब अपन करेंगे कंधे की, जिसका आर्म पिट पे भी फर्क पड़ेगा, शोल्डर पे भी फर्क पड़ेगा और साथ में आपके हम पे भी पड़ेगा, तीनों के लिए फायदेमंद है। ये एक हाथ आपको यू सिर पे लगाना है, एक हाथ आपको कमर पे पीछे लगाना है। इस तरीके से दोनों हाथों को अंदर की तरफ लेके जाना 10 टाइम्स। आपको दूसरी साइड में करना है, इसको ब्रीदिंग करते हुए करना है, आपको सांस भरते हुए हाथों को इधर अंदर लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए पीछे लाना है। आपको गर्दन के ऊपर यहाँ पे आपको हाथ रखना है, सांस भरते हुए आपको आगे लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए पीछे लाना है। एक्सरसाइज में आपको हाथों को यू करना है और इस तरीके से करना है, फिर दूसरी तरफ करना है ऐसे, एक बार फिर 2 बार यूं ऐसे, आपको 5 टाइम इधर 5 टाइम इधर, सांस लेते हुए ऊपर करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। इस एक्सरसाइज में आप ये महसूस करेंगे कि यहाँ पे आपके अच्छे से पेन होने लग जाएगा, यानी कि ये वाला पूरा हिस्सा रिड्यूस हो रहा है, फैट बर्न हो रहा है यहाँ पे। ऐसे ही आपको कमर पे हाथ लगाना है और जैसे अपने आगे हाथ लगा के यूं आगे किया था, वैसे ही आपको इस तरीके से हाथ करते हुए आगे की तरफ लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस पीछे सेंटर में लाना है। चैनल पे कंटिन्यू बने रहने के लिए मिलते हैं अगले सेशन में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।